नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मुस्लिम लॉ का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जुडिशरी एग्ज़ाम हो चाहे BLLB आप कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। BLLB कोर्स में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। तो गिफ्ट, इसको हिबा कहते हैं और इसको हिंदी में उपहार कहते हैं, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए अब्दुल रहीम ने डेफिनेशन दिया। और ट्रांसफ़र ऑफ डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माल जो है ये उर्दू का शब्द है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का मतलब माल, विदाउट एन एक्सचेंज यानी कि किसी प्रतिफल, विदाउट एनी कंसिड्रेशन कुछ भी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ गिफ्ट यानी कि हिबा। जो गिफ्ट है और हिबा जो है, गिफ्ट इंग्लिश टर्म है और हिबा उर्दू टर्म है, इतना ध्यान रखिए, वैसे दोनों का वाइड मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, असेंशियलिटी ऑफ वैलिड हिबा यानी कि हिबा को वैधता किसके जरिए मिलेगा, यानी कि क्या वैधता है एक सही हिबा के लिए। विद केस लॉस हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम सारी चीज़ें हम देखेंगे हिबा से रिलेटेड। देखिए असेंशियल्स क्या है हिबा के लिए, तो डिक्लेरेशन ऑफ हिबा बाय द डोनर, जो जो डोनेट करता है, जो हिबा बनाता है वो डोनर कहलाता है और जो हिबा लेता है वो डोनी कहलाता है। तो डिक्लेरेशन किसके द्वारा होना चाहिए, हिबा डोनर के द्वारा, यानी कि ए जो डोनर है वही करेगा, बी उसका पड़ोसी नहीं करेगा कि हाँ मैं कहता हूँ कि ए आपको देगा कुछ सामान। सेकेंड इसका एसेंशियल है कि हिबा जो एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा यानी डोनी है वो एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके हिबा कंप्लीट होगा। थर्ड जो है कि डिलीवरी ऑफ पजेशन, देखिए डिलीवरी ऑफ पजेशन यानी कोई प्रॉपर्टी है चाहे इमूवेबल मूवेबल किसी का भी, उसका डिलीवरी होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो या एक्चुअल डिलीवरी हो। कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी नहीं पता तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट का मैं वीडियो बना चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ये होता है ना कि कुछ चीज़ें पड़ी हैं दूसरों के पास, हमने दे दिया इसको कि ये, जैसे कि ए ने बी को सामान दे दिया, ठीक है, कहा कि इसको सी को दे देना, तो यहाँ सी को सामान नहीं मिला, बी के पास है, सी कभी भी उससे ले सकता है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, डिलीवरी ऑफ पजेशन क्या होता है। दोस्तों वीडियोस के साथ बने रहें और हम बताते हैं डिक्लेरेशन। देखिए डिक्लेरेशन यानी कि सामने वाले डिक्लेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए, आइदर वो रिटेन में हो या फिर वो ऑरली हो, या बोल मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, तो वो डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है जुडिशरी वगैरह एग्जाम में कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्लेरेशन नेसेसरी है, यानी कि डिक्लेरेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो नेसेसरी होगा। तो देखिए यहाँ पर दो तरीका है, पहला कि अगर रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है ना, अगर जो डिक्लेयर करने वाला जो डोनर है वो रिटर्न फॉर्म में देता है किसी चीज़ को लिख कर, तो उस हिबा का जो है रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। किसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो देखिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और किसके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो ऑरली हिब्बा देता है यानी कि वो जो मौखिक रूप से मुंह से बोल के कहता है कि मैं आपको डोनेट करता हूँ, तो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 16 और 49 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है जब वो ओरल ही हिबा डिक्लेयर करता है। तो अब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं हम। देखिए जो एक्सेप्टेंस है यानी कि जो डोनी है वो इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली किसी भी बाई कंडक्ट किसी भी तरीके से वो बोल सकता है, लिख के बोल सके या फिर ऑन द स्पॉट बता सके, इम्प्लाइड कर सके कि हाँ मैं आपका जो हिबा आप देते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसे मैं लेता हूँ, ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ पजेशन, अब ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़। देखिए तो हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पहले एग्जांपल देके बता दिया है और डिलीवरी ऑफ पजेशन बता दिया, इसके एक्सेप्शंस कुछ हैं, इस डिलीवरी ऑफ पजेशन के कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि डोनर और डोनी एक ही हाउस में रहते हैं, एक ही डोनर और डोनी जो है सेम हाउस में रहते हैं यानी कि सेम घर में रहते हों, और जैसे कि डोनर है वो किसी को डोनेट कर देता है कि ठीक है तुम हमारे घर में रहते हो, उसका मतलब रिश्तेदार है और उसको डोनेट कर देते हैं घर तुम्हारा हो गया, तो वहाँ पर वो डोनर जो है दोनों सेम जगह रह रहे हैं, तो ये नहीं है कि उसके उसको जो है फिजिकल डिलीवरी नहीं, जो है
जो गिफ्ट है उसको फिजिकल डिलीवरी नहीं मिला, लेकिन वो वैलिड गिफ्ट है, ठीक है ना। उसको डिलीवरी मिल चुका है, फिजिकल डिलीवरी नहीं हुआ फिर भी डिलीवरी मिल चुका है, ठीक है ना। जो अभी मैंने जो आपको एक बताया कि डोनर और डोनी सेम हाउस में रहते हैं, और डोनर ने कुछ कह दिया कि आप जो है आपको मैंने ये गिफ्ट कर दिया घर को, और आपको जो है वहाँ पर क्या हुआ कि फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन नहीं मिला लेकिन वहाँ पर गिफ्ट हो गया, वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। ये किस केस में डिसाइड किया गया है, तो ये इब्राहिम बीबी, ठीक है ना, इब्राहिम बीबी वर्सेस के एम एम पाकिर, ठीक है ना, ये मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। कब किया था, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है, 1968 में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु कैन मेक हिबा, यानी कि हिबा कौन कर सकता है। तो देखिए, एवरी मुस्लिम मेल और फीमेल, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, यानी कि पुरुष हो स्त्री हो, मुस्लिम में वो हिबा कर सकता है, ठीक है ना। वो मेजर होना चाहिए, यानी कि उसका जो एज है वो मेजर होना चाहिए, या मुस्लिम लॉ में कोई मेजोरिटी का एज नहीं है, जब प्यूबर्टी मिल जाए या फिर 15+ हो जाए वो मेजर एज का हो जाता है, ठीक है ना। और लड़कियां जो जब प्यूबर्टी अटेंड कर लें वो मेजर हो जाती हैं। सेन होना चाहिए, यानी कि वो सैनिटी होनी चाहिए, इनसैनिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, एकदम सेन होना चाहिए। फ्रॉड, देखिए फ्रॉड से अगर हिबा करवाते हैं तो ये एकदम इनवैलिड माना जाएगा। देखिए, मैरिड मुस्लिम भी हिबा कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है ना। खाली मेल और फीमेल नहीं, मैरिड वुमेन भी जो है हिबा कर सकती है। देखिए, बिहार जो डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मैं एस्पिरेंट हूँ, अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है अभी, ठीक है ना, BLLB। तो मैंने पुराने ईयर के पेपर देखे थे, तो वहाँ पर एक वर्ड आया था, डोनेशियो मोर्सिस कोजा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये हु में हिबा में आएगा कि डोनेशियस मोसिस कोबा का मतलब होता है कि नाइदर एग्जैक्टली अ गिफ्ट और नोर एग्जैक्टली अ लिगेसी और विल, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ का मिक्सर होता है, ना ही ये गिफ्ट है और ना ही ये विल है, पर ये है क्या, इसका मतलब क्या है आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मर्ज उल मौत कहते हैं, यानी कि डेथ इलनेस, वो मरने वाला है कुछ ही टाइम में, उसको पता है। यहाँ पर बंदे को क्या होता है कि वो अपने आप को डिफाइन कर लेता है कि वो मरने वाला है कुछ देर में, या फिर वो उसके माइंड में पूरी तरह से अप्रहेंसन बन जाता है डेथ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो हिबा करता है, ठीक, तो हिबा करता है तो 1/3 ही हिबा कर सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे वो अपने हीयर्स जो उसके सक्सेसर उससे पूछे चाहे ना पूछे, ये 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट दे ही नहीं सकता, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। डोनेशो मोर्सिस कोजा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इंसॉल्वेंट मेक हिबा, क्या इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी हिबा कर सकता है जिसका कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो गया वो, तो बिल्कुल वो हिबा कर सकता है। बट क्रेडिटर अगर फ्रॉड से हिबा करवाते हैं उसे, तो वहाँ पर ये इसका जो है हिबा वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो इंसॉल्वेंट भी हिबा कर सकता है। ये सारे चीज़ें वही टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो कि जुडिशरी में पूछे जा चुके हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसके फेवर में हिबा किया जाएगा, कौन डोनी होगा, लेने वाला कौन होगा। एनी पर्सन हु लिविंग, यानी कि वो जिंदा होना चाहिए, मरा नहीं होना चाहिए, यानी कि जब मर गए उसके ऊपर आप हिबा नहीं कर सकते। कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास कैपेसिटी हो कि आपकी प्रॉपर्टी को संभाल सके, मतलब हिबा लेने के बाद उसे संभाल सके, मेंटेन कर सके, ठीक है ना। वो देने के बाद उसको खुद, मतलब उसको संभालना आना चाहिए। चाइल्ड इन द बॉम्ब, देखिए चाइल्ड इन द बॉम्ब के केस में क्या है कि अगर गर्भ में बच्चा है तो उसके ऊपर भी हिबा किया जा सकता है। बट हिबा कब होगा कि जब हिबा जिस दिन किया होगा, मतलब मान के चलिए कि आज हिबा हुआ, ठीक है ना, तो अगले 6 महीने के अंदर जो है बर्थ, चाइल्ड जो है बर्थ लेना चाहिए, यानी कि चाइल्ड का जन्म होना चाहिए, ठीक है ना, जिस दिन हिबा किया गया। तो ये कंडीशन है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द गिफ्ट, बिकॉज इन दैट केस इट प्रिज्यूम दैट द चाइल्ड वॉज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इन द वॉम, ठीक है ना। उन्होंने प्रिज्यूम भी कर लिया उसको, अनबोर्न पर्सन। देखिए, गिफ्ट जो है अनबोर्न पर्सन को भी किया जा सकता है। अनबोर्न पर्सन का मतलब है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा अंदाज़ा लगा लिया है कि हाँ ये लड़का ही होगा, ये लड़की होगा, इसके लिए हम इतना कुछ करेंगे, इसके लिए हम गिफ्ट इतना रखेंगे, वो पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई कर देंगे, अपने आप को चीज़ें बता देंगे कि हाँ ये बंदा है और ये लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगा,
और इसको हम इतना गिफ्ट देंगे, मतलब पहले से डिसाइड कर दिया गया उसके लिए। ज्यूरिस्टिक पर्सन के लिए किसके फेवर में? ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कि जैसे कि मॉस्क हो गया, दरगाह हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए लाइक स्कूल्स हो गए, ठीक है ना, उनके फेवर में भी हिबा किया जा सकता है। नॉन मुस्लिम, देखिए हिबा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉन मुस्लिम्स के फेवर में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। पर्सनल लॉ बोर्ड इसको रिकग्नाइज करता है। ठीक है, लास्ट है कि रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का जो है रिवोकेशन यानी कि उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। देखिए, बिफोर डिलीवरी नॉट आफ्टर डिलीवरी, यानी कि हिबा देने से, हिबा की जो है डिलीवरी होने से पहले आप उसको कह सकते हैं कि भैया मेरे को डिलीवरी नहीं देना, और डिलीवरी से पहले आप उसको रोक सकते हैं, तो वो पूरी तरह से रिवोक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। ये किस केस में डिसाइड किया गया था? तो बीबी रियाजन खातून, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत बार कोई केस पूछा गया कि बीबी रियाजन खातून वर्सेस सादरुल इस्लाम 1996 पटना 156, पटना हाई कोर्ट ने केस को हेल्ड किया था और कहा था कि बिफोर डिलीवरी से पहले आप जो है रिवोक कर सकते हैं हिबा। आफ्टर डिलीवरी कैसे रिवोक्ड होगा? तो देखिए, आफ्टर डिलीवरी रिवोक तभी हो सकता है, बाई लॉ हो सकता है, ठीक है ना, बाय लॉ, बाय कोर्ट डिक्री, और दूसरा जो है कंसेंट ऑफ डोनी, डोनी का कंसेंट होगा तो वो डोनी कहता है ठीक है भाई अपना ले जाओ, हमें काम नहीं है, अब ले जाओ अपना गिफ्ट, तो आप जो है आफ्टर डिलीवरी हो सकता है। खाली जो है डोनर चाहे कि नहीं मैं वापस लेना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। नेक्स्ट फ्यूचर आपको और अच्छी वीडियो मिलेगी। आई होप पेंडेमिक के टाइम आप लोग घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।